एक गांव में एक किसान रहता था। उसके चार बेटे थे, लेकिन उन चारों की आपस में नहीं बनती थी। वो चारों भाई हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। इसी बात से किसान बहुत परेशान रहता था। वो सोचता था कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कुछ टाइम बाद जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो ये अपना घर कैसे चलाएंगे, क्योंकि इनका सारा टाइम तो आपस में लड़ने में ही निकल जाता है। तब उसको एक आइडिया आता है। वो अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाता है। जैसे ही वो आते हैं, वो बोलता है कि मैं मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी किसान बोलता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो चारों बोलते हैं, क्या शर्त है पिताजी? तब किसान बोलता है, मैं तुमको एक काम दूंगा, जिसने भी वो काम कर दिया, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके ही नाम कर दूंगा। तो सारे तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या काम है पिताजी? तब किसान उनको एक चार लकड़ियों का बंडल देता है और बोलता है, जिसने भी ये बंडल हाथों से बीच में से दो टुकड़ों में तोड़ दिया, सारी प्रॉपर्टी उसके ही नाम करूंगा। सारे बेटे हंसते हैं और बोलते हैं, ये काम तो बहुत आसान है। किसान तुरंत बोलता है, तो चलो तोड़ के दिखाओ। पहले सबसे बड़ा बेटा बंडल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे बंडल नहीं टूटता। फिर छोटा बेटा कोशिश करता है, उससे भी बंडल नहीं टूटता। फिर तीसरा भाई और सबसे छोटा, वो भी कोशिश करता है, लेकिन किसी से भी बंडल नहीं टूटता। तब किसान हंसता है और बोलता है, लाओ ये बंडल मुझे दो। और फिर वो उस बंडल को खोल के उसकी हर लकड़ी एक एक बेटे को देता है और बोलता है, अब तोड़ो। तब सारे बेटे अपनी एक एक लकड़ी लेते हैं और अपनी अपनी लकड़ी को आराम से तोड़ देते हैं। तो किसान बोलता है, कुछ समझ आया? बेटे बोलते हैं, क्या पिताजी? तब किसान बोलता है कि ये चार लकड़ी तुम चार भाई जैसी हैं, अगर इनको अलग किया तो ये घर भी इन लकड़ियों की तरह आराम से टूट जाएगा, लेकिन अगर इन सबको एक साथ एक बंडल की तरह रखा तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। तब सारे बच्चों को एहसास होता है कि पिताजी सही बोल रहे हैं। वो सब एक दूसरे से माफी मांगते हैं और हमेशा साथ में हर काम करते हैं। मोरल, यूनिटी इन स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में बल है।